ये कौन से वाली है जी, प्याज की है या दाल की है? प्याज की। ये इसके ऊपर क्या लगाते हो भैया उंगली से? मैदा ही है। सबसे ज्यादा लोग यहाँ कौन सी कचौरी खाना पसंद करते हैं? प्याज कचौरी। कचौरी बहुत अच्छी है और मिर्ची वड़ा तो अल्टीमेट है। इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है जी। तो हेलो जी, क्या हाल चाल सबके। तो आज जयपुर में है जी अपना तीसरा दिन, और तीसरा दिन होने के साथ साथ आज तीसरे दिन का हमारा ब्रेकफास्ट भी है जोधपुर में। तो ब्रेकफास्ट का अगर नाम आएगा तो भाई साहब, अगर मैं जोधपुर आके कचौरी का नाश्ता नहीं करूंगा ना, तो भाई साहब मेरा जोधपुर आना माना नहीं जाएगा। तो इसलिए आज सुबह सुबह मैं आ गया हूँ जी सूर्या नमकीन के पास, जो वन ऑफ द बेस्ट दुकान है ब्रेकफास्ट करने के लिए, कचौरी खाने के लिए, मिर्ची वड़ा खाने के लिए। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल थोड़ी बहुत भीड़ लग रही है, लेकिन यहाँ पे लंच टाइम में भाई साहब इतनी भीड़ यहाँ पे इतनी लगती है ना कि हर एक पर्सन को मतलब 15 से 20 मिनट लग जाते हैं अपना ऑर्डर लेते हो। ये सही चला रखा है। अच्छा, इधर तो देखिए अपना सारा सिस्टम है। अभी तो मिर्ची वड़ा वगैरह हो गया और चीजें हो गया ना, इधर बनाई जा रही है भाई साहब। कि कौन से वाली है जी, प्याज की है या दाल की है? प्याज की। ये प्याज कचौरी बनाई जा रही है अभी तो फिलहाल। ये ऑयल कौन सा रहता है इसमें? तेल कौन सा रहता है? मूंगफली का क्या? कौन सा? अच्छा, रिफाइंड ही रहता है। अभी तो ये देखिए डलती जा रही है, जैसे जैसे यू नो वो बनती जाएंगी तो ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा पूरी प्रॉपर तरीके से। इसको बनाने का भी ढंग रहता है जी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है। इसके ऊपर ही शायद ऊपर की ताकि फटे ना, तो उस हिसाब से सिस्टम लगा रखा है कुछ। ये इसके ऊपर क्या लगाते हो भैया उंगली से? मैदा ही है। भाई एक प्रांत इन्होंने डरा के मतलब बना के इसमें डाल दी है, और बस अभी 4 या 5 मिनट लगेंगे और ऊपर आ जाएगी है कचौरियां सारी जो नीचे डूबी हुई है। तो अगर इसमें चौक की बात करूं जी, ये जो चौक है इसको जालोरी गेट कहा जाता है, और जालोरी गेट के ऊपर काफी सारी दुकानें भी हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे आपने अगर मेरा कोई एक दो शॉर्ट्स देखा होगा, तो इधर मैंने चाय का बनाया था, तो इधर ये अपना है कचौरी वाले, सूर्या नमकीन इनका नाम है दुकान का। तो जैसा भैया बता रहे हैं कि 20 मिनट के ऊपर बन के आ जाती है ये, जैसे देखिए ऊपर थोड़ी थोड़ी आने भी लग गई है। सबसे ज्यादा लोग यहाँ कौन सी कचौरी खाना पसंद करते हैं? प्याज कचौरी। तो इधर ही देखिए प्याज कचौरियां बन के रेडी हो गई, वो रेडी हो गई है। अच्छा, दूसरी बार जाएंगे? एक बार हाफ फ्राई है, ठीक है। तो वो ही हाफ फ्राई रहती है, उसके बाद क्या होगा कि दोबारे से उसको एक बार फिर से डबल फ्राई किया जाएगा। वो हर एक चीज के साथ है, चाहे वो चाहे मिर्ची वड़ा बना रहे हो, चाहे कचौरी बना रहे हो, है ना, चाहे हम यू नो पूड़ियाँ बना रहे हो। कहीं कहीं आप कहीं जगह जगह आपने अलग अलग हलवाइयों के पास देखा होगा कि वो थोड़ा पहले कच्चा उतार लेते हैं, उसके बाद बाद में उसको डबल फ्राई करते हैं, जो फाइनल फ्राई किया जाता है। तो ये जी सेकंड स्लॉट जा रहा है अभी इसमें। अभी सीन क्या होगा जी, जैसे फर्स्ट और सेकंड का स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो है फाइनल जो स्लॉट जाएगा फर्स्ट और सेकंड का, फाइनल तलने के लिए जाएगा।
सबसे ज्यादा लोग क्या खाना पसंद करते हैं? सबसे सारा मतलब सारी चीजें पसंद करते हैं लोग, मतलब ज्यादा प्याज कचौरी रहता होगा राइट, मिर्ची वड़ा और प्याज कचौरी। चलिए जी हम भी ट्राई करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सारा दिखा दूं जी किस तरीके से यहाँ पे बनाई जाती है, है ना। जो फाइनल शॉट रहेगा, जैसे फाइनल वाली जो कचौरी निकलेगी ना, तो इसी कचौरी को हम लोग टेस्ट करेंगे, मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ। तो ये चला गया जी सारा सेकंड। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जी, यहाँ पे आप ये चीज देख रहे हैं भाई साहब, इसे कहते हैं कि गर्मी के अंदर अगर कस्टमर यहाँ पे आ रहा है तो भाई उसको गर्मी ना लगे, कितना बढ़िया इंतजाम किया हुआ है ये, ताकि कस्टमर जो आए बेचारा यहाँ पे गर्मी में खड़ा हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे ना भीड़ लग जाती है एकदम, जैसे 2-2.5 बजे का टाइम होता है तो भीड़ लग जाती है। तो देखिए बड़ा बढ़िया सिस्टम कर रखा है, पानी का फुहारा वगैरह लगता है इसमें। भैया कचौरी का टेस्ट कैसा लग रहा है आपको? टाइम ही आया हूँ जोधपुर, फर्स्ट टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम ही कचौरी खा रहा हूँ, जो भी बिना चटनी ही है, बाकी ठीक है, ठीक है, सही लगी है, नॉर्मल है, बाकी और चटनी होती तो ज्यादा टेस्ट आता। कचौरी बहुत अच्छी है और मिर्ची वड़ा तो अल्टीमेट है, ऐसा मैंने शायद पहली बार खाया है, मिर्ची वड़ा बहुत अच्छा, स्पाइसी थोड़ा सा शादर टेस्ट इसका है। जोधपुर के रहने वाले हैं? मैं MP से हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम वैशाली गाजियाबाद। यहाँ की कचौरी में फर्क तो दिख रहा होगा, वहाँ पे तो लाल चटनी के साथ दी जाती है, यहाँ पे बिना चटनी के खाना पड़ रहा है, आपको कैसा लगा है? इस कचौरी को चटनी की जरूरत नहीं है, ये बिना चटनी के सफिशिएंट कचौड़ी है। सबसे अच्छी चीज इसमें कोई सोडा वोड़ा ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं है। तो लीजिए जी फिर हम भी करते हैं शुरू प्याज कचौरी और चटनी वगैरह ऐसे ही खाते हैं इसको। ये आ गया जी अपनी प्याज कचौरी, चलिए इसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट बताते हैं आपको। ये इधर जी प्रॉपर बैठने का बना रखा है ना, तो बैठ के आराम से हम लोग कचौरी को अपना इंजॉय करते हैं जी। ओह क्या बात है, ये है जी प्याज कचौरी। ये देखिए जी इसके अंदर पिट्ठी वगैरह बढ़िया डाल के बनाई हुई है और काजू है ना, बहुत बढ़िया। इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है जी, जैसे हम लोगों ने जयपुर में जो कचौरी ट्राई की थी वहाँ पे जो कचौरी दी जाती है एक तो कढ़ी के साथ भी दी जाती है और साथ में चटनी वगैरह भी डाली जाती है। यहाँ पे जो है सिंपल आपको कचौरी मिलने वाली है, इसमें चटनी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन एक चीज़ जो सबसे अच्छी निखर के आ रही है इसमें एक तो इलायची का थोड़ा सा फ्लेवर इन्होंने डाल रखा है, इलायची के अलावा प्याज गला हुआ है, सौंफ डली हुई है राइट, और थोड़ा थोड़ा यू नो आमचूर पाउडर भी इसमें डला हुआ है बढ़िया तरीके वाला, सो दैट की जिसका जो टेस्ट आ रहा है थोड़ा खट्टापन सा भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिना चटनी के भी लग रहा है भाई साहब, नज़ारेदार। तो चलिए जी कचौरी तो हम लोगों ने खा ली है, लेकिन कचौरी के साथ साथ जी अगर चाय नहीं पियेंगे या कॉफी नहीं पियेंगे तो भाई साहब मजा नहीं आएगा। तो चलिए अपने लिए अब एक चाय बनवा लेते हैं जी, बढ़िया वाली एक चाय दे दीजिएगा। तो चाय बन रही है अभी, फिर चाय पियेंगे फिर आपको उसका टेस्ट भी बताएंगे। एक्चुअली मैं इस दुकान पर अभी तीसरी या चौथी बार चाय पीने के लिए आया हूँ जी, इनकी चाय के अंदर भाई साहब जो टेस्ट है ना, मतलब भीड़ लगेगी प्रॉपर तरीके से और चाय मिलेगी एक नंबर, बहुत बढ़िया चाय। ठीक है तो चलो आपको भी दिखाते हैं फिर। ओम टी सोल नाम है इनका,
आ गई है चाय 200 रुपए का कप। जी इसे कहते हैं चाय। मेरे को सबसे बढ़िया सिस्टम ये लग रखा है जी यहाँ पे, इन्होंने प्रॉपर जाल सा बना रखा है। भाई साहब आओ यहाँ चाय फसाओ और अपना आराम से चाय पियो।